नमस्कार दोस्तों, प्रणाम सबको। आज के इस विशेष YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में मैं सारे दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो? क्या आप मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हो? दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। कल ही हम अपने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े शान से मनाया। अपने भारत को आजाद हुए 73 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस पावन और शुभ अवसर पर मैं सारे भारतवासियों को टाटा मोटर्स कला सागर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। अपने घरों में रहकर मेरे साथ जोर से आवाज दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। टाटा मोटर्स कला सागर के सारे कलाकार और दर्शकों के लिए यह अगस्त महीना और भी ढेर सारी खुशियां समेट कर लाता है। उसकी एक वजह है दोस्तों, और ये कारण यह है कि इसी अगस्त महीने में यानी 20 अगस्त 1972 को टाटा मोटर्स कला सागर की नींव रखी गई, यानी टाटा मोटर्स कला सागर की स्थापना हुई। उस वक्त उसे तेलको कला सागर के नाम से जाना जाता था। अपने सफर के 48 वर्ष पूर्ण करने वाली भारत के औद्योगिक क्षेत्र में टाटा मोटर्स कला सागर एकमात्र कल्चरल एक्टिविटी है दोस्तों। आज इस माध्यम से मैं उन सारे कलाकारों को, उन सारे दर्शकों को हृदय से बधाई देता हूं, और आपकी तरफ से कला सागर को कहता हूं, हैप्पी बर्थडे कला सागर। दोस्तों, इस सफर में हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए टाटा मोटर्स मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स एम्प्लॉयज यूनियन और उन सारे मेंबर्स को मैं स्नेह भरा धन्यवाद देता हूं, अपने दिल से आभार प्रकट करता हूं। कला सागर के इस खूबसूरत सफर को जहन में रखते हुए और कला सागर की 40th एनिवर्सरी मनाने के लिए हमने हमारे सिंगर्स में ही एक सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया था, और जिसमें ज्यादा करके नेक्स्ट जनरेशन के कुछ उभरते सिंगर्स को हमने मौका दिया, और उन सारे सिंगर्स ने अपने घरों में रहकर, क्योंकि लॉकडाउन था तो घरों में रहकर इस कंपटीशन में अपना योगदान भी दिया। उस कंपटीशन में जो फाइनल में सिंगर्स पहुंचे हैं, आज उनको लेकर ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए और ये संगीत महफिल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है कला सागर, एक अनोखा सफर। तो चलिए दोस्तों, इस महफिल का आगाज करते हैं हिंदी फिल्मों को टीनेजर का चेहरा देने वाले स्पॉन्टेनियस सदाबहार कलाकार थे ऋषि कपूर साहब। इस वर्ष अप्रैल में हमने उनको खो दिया, उनका स्वर्गवास हुआ। कला सागर की तरफ से उनको, उस लीजेंड एक्टर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सुनते हैं उनका एक मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। फिल्म सागर का यही बेहतरीन गीत बिल्कुल उसी अंदाज से आपके सामने पेश करने आ रहे टाटा मोटर्स कला सागर की नेक्स्ट जनरेशन के एक हरफन मौला सिंगर प्रशांत। आइए प्रशांत जी।
किस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ओ आज तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही। तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। वाह प्रशांत, बहुत खूब, क्या बात है। एक अनोखा सफर, इस प्रोग्राम की खूबसूरत सफर की शुरुआत किशोर कुमार जी के खूबसूरत गीत से हो चुकी है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो ये गीत अपने जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनते हैं। हम अपने मूड के हिसाब से अलग अलग गीत सुनना पसंद करते हैं, या फिर कभी कभी ये गीत सुनने के बाद अपना मूड भी चेंज होता है। वैसे देखा जाए तो हमारा पसंदीदा गीत वही होता है जो हमारे लाइफ से या हमारे लाइफ के किसी इंसिडेंट से जुड़ा हो।
और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये रोमांटिक गीत आपको दीवाना बना देते हैं। आइए सुनते हैं और एक रोमांटिक गीत जो कि है फिल्म MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी से, जिसे गाया है पलक मुच्छल जी ने, और आपके सामने उतनी ही खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगे हमारी गायिका अनघा स्वामी। दोस्तों, ऋषि कपूर जी की जब बात आती है तो फिल्म बॉबी का जिक्र होना लाजमी है। वैसे तो मेरा नाम जोकर उनकी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन उसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। बतौर हीरो बॉबी ही उनकी फर्स्ट फिल्म थी। दोस्तों, उस दौरान किशोर कुमार जी की पॉपुलैरिटी एज अ सिंगर
आसमान की बुलंदियां छू रही थी। लेकिन राज कपूर जी की सोच देखिए, उन्होंने टीन एजर ऋषि कपूर के लिए एक ऐसी नई आवाज ढूंढ ली जिसको सुन के सब लोग दंग रह गए। उनकी आवाज ऋषि कपूर जी से बखूबी मैच हुई और फिल्म बॉबी के सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट हो गए और वो आवाज थी शैलेंद्र सिंह की। तो राज कपूर जी को उनकी सोच को सैल्यूट करते हुए बॉबी फिल्म का एक सुपर हिट सॉन्ग अब हम सुनने जा रहे हैं, जिसे बिल्कुल उसी अंदाज में आपके सामने लेके आ रहे हैं सुनील जी। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको शायद तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको Thank you.
दोस्तों, इसी अगस्त महीने में एक और प्रतिभाशाली कलाकार की सालगिरह आती है। वैसे तो ये कलाकार प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एडिटर है, डायलॉग राइटर है, पर उनमें बसा एक गीतकार, एक शायर, एक कवि हमें ज्यादा अपना सा लगता है। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण सिंह कालरा की, जिन्हें हम गुलजार साहब के नाम से जानते हैं। वे लिखते हैं, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो न ये रात न दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। दिल को छूने वाले ऐसे नज्म लिखने वाले गुलजार साहब को 18 अगस्त को उनका बर्थडे है, उनके जन्मदिन के लिए कला सागर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब। दोस्तों, दरअसल गुलजार साहब हिंदी फिल्मों के लिए कुछ काम करना ही नहीं चाहते थे, पर हालात कुछ इस कदर बदल गए और बिमल राय जी के बंदिनी के लिए उन्हें एक गीत लिखना पड़ा और फिर शुरू हुआ एक खूबसूरत सफर। आज 60 सालों के बाद भी वो सफर नई राहों को खोजता हुआ उसी प्रतिभा के साथ चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जिस गीत को लिखकर गुलजार जी ने इस सफर में अपना पहला कदम रख दिया, चलो उस कदम को एक बार चूम के आते हैं, एक बार छू कर आते हैं, सुनते हैं बंदिनी का वो खूबसूरत सुरीला गीत जिसे आपके सामने पेश करेंगी आर्या। राज राती पैया
क्या बात है आर्या, क्या खूब गाया आपने, क्या बात है। दोस्तों कहते हैं कि वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो लम्हे हैं। वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों। एक वक्त एक दौर ऐसा भी आया था कि जब द लीजेंड मोहम्मद रफी साहब की जगह द ग्रेट किशोर कुमार साहब ने ली, उस वक्त के सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स किशोर कुमार साहब से ही सिंगिंग करवाना चाहते थे। आर डी बर्मन और किशोर कुमार साहब का एक अलग बेहतरीन कॉम्बिनेशन सामने आ रहा था। और आप सभी जानते हैं कि आर डी बर्मन के फेवरेट सिंगर भी किशोर का ही थे। इन सब के बावजूद ना जाने क्यों बतौर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी साहब के मन में क्या आया और हम किसी से कम नहीं में उन्होंने कुछ गाने मोहम्मद रफी साहब से गवाए। दोस्तों कहते हैं ना कि लीजेंड आखिर लीजेंड ही होते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं कि अगर वो मोहम्मद रफी साहब ने ना गाए होते तो शायद ही वो गाने इतने खूबसूरत होते। दोस्तों हम किसी से कम नहीं इस फिल्म में क्या हुआ तेरा वादा ये गीत मोहम्मद रफी साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया कि उस साल का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड रफी साहब को ही मिला। आइए सुनते हैं वही खूबसूरत गीत उसी अंदाज में श्रेयस की आवाज में। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा जो कसम हो जाता। क्या हुआ तेरा वादा जो कसम हो जाता। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन। तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से बात मिले हैं कैसे भरा छूटेंगे कभी। तेरे बाहों में बीती हर शाम ये बताए भी क्या लौट ले। क्या हुआ तेरा वादा
श्रेयस, क्या बात है, बहुत खूब गाया आपने, लाजवाब। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। सुशांत सिंह राजपूत, इस कलाकार को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। अपनी फर्स्ट फिल्म काल पोछे से लेकर अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा तक उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन कैरेक्टर्स निभाए हैं। अपने कैरिस्मेटिक, कॉन्फिडेंट और जेंटलमैन पर्सनालिटी की वजह से वो हमेशा ही सबसे अलग रहे। अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में सुशांत मुस्कुराकर कहते हैं, जन्म कब लेना है और मरना कब है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है ये तो डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का जिसने हमेशा से अपनी मेहनत और सपने को स्टारडम से कई कदम आगे रखा, सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, वो सभी को प्यारा था, सबकी आंख का तारा था, हजारों तारों में अनोखा चमकता एक सितारा था। तो सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उनकी फिल्म छिछोरे से एक रोमांटिक गीत सुनते हैं नितिन जी की आवाज में। तो कैफियत पूछो तुम्हारे दिल
जाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी है तेरे दिल में के दिन जैसे सो सारे तुम्हारे तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे मौसमी समझो कर इश्क को हमारे नजरों के सामने आता नहीं तुम्हारे मगर रहने को हर पल मंजर में तुम हमारे हर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला जिस दर्द में जिंदगी खुशहाल है कैरियत पूछो कभी तो कैरियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे सौ साल दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे सौ साल अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है वाह नितिन क्या बात है, क्या आवाज पाई है आपने, वाह क्या बात है। दोस्तों इस नए ट्रेंडिंग गीत के बाद चलते हैं 1950s में। 1954 में आई फिल्म आर पार जिसके गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत दिया था ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब जिन्हें रिदम किंग कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अर्ली 50s के गानों का फोकस ज्यादा करके मेलेडी पे होता था, लेकिन ओपी नैयर साहब ने वही फोकस मेलेडी के साथ साथ रिदम में भी लाया। तालियां, सीटी, घोड़ों के तांपों की आवाज से उन्हें अपने संगीत में भर दिए। लाहौर से पंजाब आए हुए ओपी नैयर साहब वैसे तो एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी किस्मत सिंगिंग में भी आजमाई। कुछ दिनों तक उन्होंने बतौर म्यूजिक टीचर भी काम किया और वो आकाशवाणी पे भी काम करते थे। एक बार गीता दत्त जी ने उनकी मुलाकात गुरु दत्त जी से करवाई और बस वही मुलाकात उनके लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट रही। गुरु दत्त जी ने उन्हें आर पार फिल्म का म्यूजिक करने का मौका दिया और बस वहीं से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी शुरुआत हुई। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक बेहतरीन गीत जिसे गाया है गीता दत्त जी ने और उसी अंदाज में आपके सामने पेश करेंगी लीना जी। बबूचे धीरे चलना प्यार में जरा संभलना हाँ बड़े धोखे है इस राह में बबूचे धीरे चलना प्यार में जरा संभलना हाँ बड़े धोखे है इस राह में बबूचे धीरे चलना
क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। कम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जान बन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, ओ अकेला तो लाखों है दुश्मन। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। बहुत खूब लीना जी, बहुत खूब। दोस्तों, अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के सभी सिंगर ये कंपटीशन के फाइनलिस्ट हैं, लेकिन ये एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन हो ये जिनकी संकल्पना है, साथ साथ आज के प्रोग्राम की भी जिनकी संकल्पना है, वो है टाटा मोटर्स कलासागर म्यूजिक विंग के सेक्रेटरी मिस्टर महेश ठाकुर देसाई। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों से महेश जी को नवाजें। शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। फिल्म डॉन, गीत गाया है आशा भोसले जी ने और पर्दे पर है हेलन और अमिताभ बच्चन। अब तक तो आप गीत भी जान चुके होंगे। हेलन जी, जिन्हें क्वीन ऑफ कैबरे कहा जाता है, महज 13 साल की उम्र में डांसर कक्कू ने उन्हें बतौर बैकग्राउंड डांसर के रूप में लाया। 6 साल बाद 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम चिंचिंचू इस गाने पर उन्हें लीड डांस करने का मौका मिला। बस वहीं से उन्होंने अपने डांस का जादू बिखेर दिया। उन्होंने कई सारे फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी काम किया। 1999 में उन्हें लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही 2009 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया है। आइए उन्हीं पे फिल्माया गया एक बेहतरीन गीत जिसे गाया है आशा भोसले जी ने। और दोस्तों, आशा भोसले जी को उस साल का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड इसी गीत के लिए मिला था। ये गीत है ये मेरा दिल यार का दीवाना, आपके सामने उसी अंदाज में पेश करेंगी कांचन। दीवाना दीवाना यार का परवाना।
का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने कहा था, कला सागर के 48th एनिवर्सरी को हमने एक सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया था और उस कंपटीशन में जो फाइनल राउंड में सिंगर्स आए थे उन्हीं के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। केदार दिवेकर, हेमंत मोरगावकर और उदय सुबेदार जैसे माहिर लोग इस कंपटीशन के परीक्षक थे। उन तीनों के प्रति मैं कला सागर की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। इस YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में हमें टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है, वो है सलील अरगड़े और अनघा स्वामी का। उन दोनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, कला सागर के कोऑर्डिनेटर मयूरेश कुलकर्णी, कला सागर के जनरल सेक्रेटरी रोहित सरोज और कला सागर के प्रेसिडेंट सुनील सवाई जैसे दिग्गज और एक्सपीरियंस मेंटर से हमें हमेशा विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं उन तीनों को आदर पूर्वक धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस सिंगिंग कंपटीशन में प्रतियोगी सिंगर्स के गाइड और मेंटर बने थे टाटा मोटर्स कला सागर के दो मंझे हुए कलाकार। एक थे अक्षय घाणेकर और दूसरे थे समीर नगरकर। अपने स्किल, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से
उन्होंने प्रतियोगी सिंगर का स्तर काफी ऊंचा किया। इन दोनों को भी मैं कला सागर की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज का कला सागर एक सुहाना सफर, इस शो का कोऑर्डिनेशन जिन्होंने किया और इसे सफल बनाने का पूरा श्रेय जिन्हें मिलना चाहिए वो है टाटा मोटर्स कला सागर के सुपर सिंगर, बेस्ट परफॉर्मर समीर नगरकर। कलाकारों की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से मैं समीर से इतना ही कहूंगा, थैंक यू समीर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सिंगिंग कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो तीनों जजेस ने मेरे पास भेज दिया है। यूनानिमस डिसीजन था और मैं आपके समक्ष इसको डिक्लेयर करने जा रहा हूं। सेकंड रनर अप यानी थर्ड पोजीशन पे है नितिन राठी, जोरदार ताली। फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पे है अनघा स्वामी और इस कंपटीशन की विनर रही आर्या काकड़े। आर्या के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन तीनों सिंगर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, सारे कंटेस्टेंट्स को नेक्स्ट कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूं और एंकरिंग में मेरे साथ सागर और अर्चना को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं फिर से मिलने का वादा करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।